Rappaccini's daughter. Rappaccini नहीं कहना, Rappaccini कहना है. Rappaccini's daughter. Nathanial Hawthorne. Hawthorne नहीं कहना, Hawthorne. ये इटली है. Rappaccini साइंटिस्ट है. उसका एक बागीचा है. इस बाग में उसने जहरीले पौधे उगा रखे हैं और अपनी बेटी की परवरिश भी इन्हीं जहरीले पौधों में की है. उसकी बेटी बिएक्ट्रिस खूबसूरत है, जहरीली है. गैवानी गांस काउंटी, गैवानी नाम का एक शख्स, नौजवान, पढ़ने की गर्ज से इटली आया. रिहाइश के लिए उसने जो फ्लैट सिलेक्ट किया वो बाग के बिल्कुल साथ है. बाग में झांका, Rappaccini की बेटी को देखा, मोहब्बत में मुब्तला हुआ और उस बागीचे में आने जाने लगा और जहरीला हो गया. प्रोफेसर बैगलोनी नाम का एक शख्स एक एंटीडॉट देता है, दवा देता है, जाओ खुद भी पियो और अपनी महबूबा बिएक्ट्रिस को पिलाओ, ठीक हो जाओगे, जहरीले नहीं रहोगे. बिएक्ट्रिस पहले वो एंटीडॉट पीती है, जहर का तरियाक पीती है, मर जाती है. स्टोरीज एंडेड. स्टोरी पुरफरेब ख्वाब जैसी है. इस स्टोरी में मॉरल दिया गया है, साइंटिस्ट नित नए तजर्बे करने के लिए इंसानों का कत्ल कर देते हैं, इवन के अपनी बेटी सबसे अजीज करैक्टर की भी परवाह नहीं करते. देयर आर सम क्वेश्चंस, राउंड अबाउट 20 क्वेश्चंस आर ओवर देयर. इन 20 क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा, इंच इंच ट्रू आंसर होगा. ये क्वेश्चन रेज किए पंजाब यूनिवर्सिटी ने, सरगोधा यूनिवर्सिटी, AJK, IUB इस्लामिया यूनिवर्सिटी एंड गुजरात. क्वेश्चन, डिस्कस द स्टोरी एज अ फैंटेसी. डिस्कस करें ये स्टोरी एक पुरफरेब ख्वाब है. हकीकत में ऐसा होता नहीं है कि कोई लड़की जहरीली हो. 2014 PU US AJK IUB. What is the craze of Dr. Rappaccini? 2015 Gujarat AJK US. Rappaccini is a scientist who loves science. Rappaccini साइंटिस्ट है जो साइंस से मोहब्बत करता है, मोर देन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों की बजाय, इंसानों से ज़्यादा वो साइंस से मोहब्बत करता है. होना तो ये चाहिए साइंटिस्ट्स को इंसानों की फलाह के लिए नित नए तजर्बे करने चाहिए, लेकिन साइंस से इतनी मोहब्बत हो गई Rappaccini को कि उसने इंसानों को कुर्बान करना शुरू कर दिया. 2015 How did Rappaccini make his daughter poisonous? Rappaccini ने किस तरह से अपनी डॉटर को जहरीला किया. 2013 Why does Beatrice say to the magnificent bush? किस तरह Beatrice ने इस magnificent, इस आला आला झाड़ी को कहा. बाग के अंदर एक झाड़ी ठहरी हुई है, एक फूलदार पौधा है, उसको Beatrice ने कहा था. इस पौधे की खासियत ये है, इस पर पिंक कलर के फ्लावर उगते हैं, ये एक टूटे हुए फाउंटेन जार में ठहरा हुआ है, फुहारे में ठहरा है, और ये पौधा और Beatrice एक ही दिन पैदा हुए थे. Rappaccini कहता है कि तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो Beatrice, और ये पौधा मेरे जहन की बेटी है. तो इसीलिए Beatrice को बताया गया है ये तुम्हारी सिस्टर है, सिस्टर प्लांट उसको नाम दिया गया है. तो जब Beatrice गवानी से मिलती है तो फिर वो
भूल जाती है सिस्टर प्लांट को, फिर वो कहती है, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड फॉरगॉटन यू, पहली बार जिंदगी में मैं तुम्हें भूली हूँ, 2016। ये सवाल आया कि बियक्टिस ने क्यों कहा उस खूबसूरत शानदार बुश को, झाड़ी को, कि मैं तुम्हें पहली बार भूली हूँ, क्यों कहा, क्योंकि वो मोहब्बत में मुब्तला हुई। हाउ डज बियक्टिस बिकम पॉइजनस, बियक्टिस कैसे जहरीली हुई, 2011। हाउ डज बियक्टिस लव पॉइजनस प्लांट्स, बियक्टिस पॉइजनस जहरीले पौधों से कैसे मोहब्बत करती थी, 2014। वॉट इज द सिस्टर प्लांट, ये सिस्टर प्लांट क्या है, वॉट इज द चीफ ट्रेजर, वो कौन सा बड़ा तोहफा है, खजाना है, विच डॉक्टर रैपैसिनी वॉन्ट्स टू लीव, जो डॉक्टर रैपैसिनी छोड़ जाना चाहता है, फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए, 2015। अपनी बेटी के लिए कौन सा तोहफा छोड़ा है डॉक्टर रैपैसिनी ने। ये नई प्रोनाउंसिएशन आप गैदर करेंगे, दिस इज द ट्रू प्रोनाउंसिएशन करेक्टर्स की, इसी को फॉलो करेंगे, आप एजुकेटेड लगेंगे, पढ़े लिखे होंगे, और वो राइट डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ गैवानी, गैवानी का करेक्टर स्केच लिखें, 2010। वॉट इज गैवानीज रोल इन द स्टोरी, स्टोरी में गैवानी का रोल क्या है, गैवानी इज नो मोर देन पॉन, गैवानी कुछ भी नहीं, बस वो एक प्यादा है, ऑन द चेस बोर्ड, शतरंज के बोर्ड पर, किसकी शतरंज है ये, ऑफ डॉक्टर रैपैसिनीज रिसर्च, डॉक्टर रैपैसिनी की रिसर्च की शतरंज पर, गैवानी तो एक मोहरा है, एक प्यादा है, कहने का मतलब है अगर आप शतरंज की गेम को नहीं जानते तो इसका मतलब यह है कहने का कि गैवानी रैपैसिनी की रिसर्च में एक कठपुतली है, रैपैसिनी खुद गैवानी को अट्रैक्ट करता है ताकि वो उसकी बेटी का जहरीला साथी बने और फिर उसकी बेटी और गैवानी की नस्ल आगे बढ़े, 2013-14। गैवानी फॉल्स इन रैपैसिनीज नेट, गैवानी रैपैसिनी के जाल में गिर पड़ा, फंस गया, इनवॉलंटेरली, जानबूझकर, खुद वो आया है इस जाल में, बट विद डिजास्ट्रस रिजल्ट्स, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही भयानक थे, एलाबरेट तफसील करें, 2015। और पॉइजन वर्क्स थ्रू गैवानी सिस्टम, पॉइजन जहर गैवानी के सिस्टम में काम करने लगा, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, बट श्योरली, लेकिन यकीनन, हाउ, कैसे, 2015। और व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ गैवानीज प्रॉब्लम, गैवानी का दर हकीकत प्रॉब्लम क्या था, एंड हाउ डज ही गेट इन टू इट, और इस प्रॉब्लम में वो फंसा कैसे है, 2011 PU US। When does Gavani discover that, Gavani को कब पता चला he has been poisoned, कि वो जहरीला हो चुका है, and with what result, और उसका नतीजा क्या निकला, 2012। और यह question आता है, at least कम अज कम he thought, Gavani सोचता है, her poison is not yet entered into my system, बैक्टिस का जहर मेरे सिस्टम में अभी उतरा नहीं है, मेरे जिस्म में जहर नहीं उतरा, आम नॉट फ्लावर, मैं कोई फूल तो नहीं, टू डाई इन अ लैब, कि उसकी गोद में गिर पड़ूं, मर जाऊं, एक्सप्लेन करें, 2011। व्हेन एंड व्हेयर डज गैवानी इन हिज एड्रेस टू बैक्टिस, कब और क्यों गैवानी एड्रेस कहता है टू बैक्टिस, बैक्टिस से, कॉल डॉक्टर रैपैसिनी, और डॉक्टर रैपैसिनी के बारे में कहता है, बैक्टिस को डॉक्टर रैपैसिनी के बारे में गैवानी क्या कहता है, योर ऑफुल फादर, तुम्हारा बहुत बुरा भयानक बाप, 2016। डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ बैक्टिस, गैवानी इज आउट ऑफ हॉटेड एंड लव, मैंने कहा कि बैक्टिस और गैवानी की
का जो रिलेशनशिप है वो नफ़रत और मोहब्बत का है. 2012, डिड द एंटीडोट वर्क विच बेग्लोनी गेव टू गवानी, क्या वो एंटीडोट जहर को ख़त्म करने वाला वो ख़त्म करने वाली मेडिसन सिरप एंटीडोट जो सिल्वर एक छोटे से सिल्वर की बोतल में था, क्या वो एंटीडोट जो बेग्लोनी ने दिया था, प्रोफेसर बेग्लोनी ने जो कि गवानी के वालिद का दोस्त था, गेव टू गवानी, क्या उसने काम भी किया. 2010, वाज बेग्लोनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ बैक्ट्रिस, क्या बेग्लोनी रिस्पॉन्सिबल है बैक्ट्रिस की मौत का, कि उसी ने एंटीडोट दिया और वो सूट नहीं किया बैक्ट्रिस को, बैक्ट्रिस मर गए. 2009, हाउ डेड बेग्लोनी हेल्प गवानी, किस तरह से प्रोफेसर बेग्लोनी ने मिस्टर गवानी की मदद की. और 2008, और राइट अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ द बेग्लोनी, बेग्लोनी का करेक्टर स्केच लिखें. 2010, दिस इज योर होस्ट लेक्चरर एम के भुट्टा एंड माई व्हाट्सएप इज 0333-4655-305 फॉर कंप्लीट नोट्स ऑफ बी ए एंड ऑडियो लेक्चर्स. इन तमाम क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, दैट वॉज हाईली डिफिकल्ट टास्क. ये 10 to 15 डेज में एक आंसर बना है. आप देखेंगे कि एक एक लफ्ज, एक एक बात आपके तमाम क्वेश्चंस को मीट करेगी. ऐसा मुमकिन नहीं कि आप कहें कि इस सवाल का जवाब नहीं है. आंसर, रैपैसिनीज़ डॉटर, ये कहानी इज अ फैंटास्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल आइडिया. रैपैसिनीज़ डॉटर, ये कहानी एक ख्याली, फैंटास्टिक, ख्याली और नाकाबिल अमल आइडिया है. तसव्वुराती लगती है, हकीकत नहीं लगती. ऐसा होता नहीं है कोई लड़की जहरीली हो, फैंटास्टिक है और इम्प्रैक्टिकल है, नाकाबिले अमल है. ये पूरी कहानी एक नाकाबिले अमल और ख्याली आइडिया है. अ टाइप ऑफ साइंटिफिक फिक्शन, हाइफन देंगे, इसका नाम हाइफन है, डैश जिसे कहते हैं. एक किस्म का ये साइंसी अफसाना है, फीचरिंग जो बनाता है मैजिकल और सुपरनेचुरल जादुई इवेंट्स वाकियात. ये कहानी ख्याली है, नाकाबिले अमल है. ये एक साइंस का अफसाना है जिसके अंदर जादुई वाकियात हैं. इट इज़ अ पर्ली टियर, ये मोती जैसा आंसू है, चमकता हुआ एक आंसू है. पूरी कहानी इन डिके, तबाही एंड डिजीज और बीमारी में, तबाही और बीमारी के बीच ये मोती जैसा आंसू है. यानी कि बड़ी दुखी कहानी है जिसके इर्द गिर्द हमें तबाही नजर आती है, मायूसी नजर आती है, बीमारी नजर आती है, पागलपन नजर आता है. नेक्स्ट पैराग्राफ रैपैसिनी से मुतालिक है और रैपैसिनी से मुतालिक जितने क्वेश्चंस थे वो सारे यहां सॉल्व हुए हैं. न्यू विकेबलरी है, फ्रेश वर्ड्स हैं, रिदमिक सेंटेंस हैं, इससे आपकी इंग्लिश भी ठीक होगी. और जो बच्चे वीक हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 पैराग्राफ को याद करेंगे वीक बच्चे, और कोई भी आंसर आए यहीं लिखेंगे. अगर आपने मिस्टेक ना की तो 10 में से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. और जो बच्चे ब्राइट हैं वो तो इसी को ही तैयार करेंगे. 30 सालों से पेपर चेकर पेपर चेक कर रहा है
उसे रट गया है कि कौन सी करंट है, कौन सी डोगर है, बच्चा ये किस बुक से लिख रहा है, सिंपल से लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है। दीज आर फ्रेश नोट्स, नई चीज़ें हैं। नंबर देंगे आपको रिपैसनी, ब्रैकेट में आपने रिपैसनी नहीं लिखना जब आप एग्ज़ाम में होंगे। जो स्पीच इन्वर्टेड कामाज में है उसे आप ब्लैक पॉइंटर के साथ हाईलाइट करें या ब्लू के साथ। When I find myself in the company of Rappaccini, जब मैंने अपने आप को Rappaccini की कंपनी में पाया, I feel him like a sick experimentalist, say experimentalist. जब मैंने अपने आप को Rappaccini की कंपनी में पाया, यानी कि जब मैं Rappaccini से मिला, मैंने महसूस किया वो एक बीमार साइंसदान है, who has strayed, जो भटक गया है, बाई मिस्टेक, गलती से, इंटू अ जोन, एक ऐसे दायरे में, जोन में चला गया, ऑफ क्रेज, जो पागलपन का दायरा है, वेयर नथिंग इज, जहां कुछ भी नहीं, इस पागलपन के जोन में कुछ भी नहीं सिवाय ग्रीड के, लालच के, फॉल्स एम्बिशंस, यहां गलत मकासद हैं, डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, एंड पॉइजन, जहर है। मैं Rappaccini से मिलता हूं इस स्टोरी में और मुझे लगा ये एक बीमार साइंसदान है जो अपने रास्ते से भटक गया है किसी गलती से और एक ऐसे जोन में दाखिल हो गया है जो पागलपन का जोन है, जहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता सिवाय लालच के, गलत मकासद के, तबाही के, जहर के। ही स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जेंट प्लांट्स, और ये Rappaccini बड़े बड़े जिन जैसे पौधों के कंधों पर ठहरा है और क्या करता है, ड्रैग्स हिज डॉटर एंड हर लवर, वो घसीटता है किसको, अपनी बेटी को और उसके लवर को, बाय अंडरस्टूड किकिंग, किक्स के साथ, किक्स मारता है, एंड स्क्रीमिंग, और जोर जोर से चीखे मारता है, एंड टू वेरी पॉइजनस फ्लावर्स, और उनको घसीट कर ले आता है जहरीले फूलों के अंदर। मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी बेटी और उसके लवर को ज़बरदस्ती वो घसीट कर ले आता है उन जहरीले पौधों और फूलों के दरमियान में। हिज मोटो इज, उसका मोटो क्या है Rappaccini का, डेयर टू वन अनदर एंड फेयरफुल टू ऑल बिसॉल्ट्स, कि एक दूसरे के लिए तो बहुत ये अजीज हों लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, बाकी दुनिया के लिए ये खौफनाक चीजें हों, कौन, मेरी बेटी और उसका लवर, उसका हस्बैंड, एंड दैट ही केयर्स मोर फॉर साइंस, और Rappaccini साइंस की ज्यादा परवाह करता है देन फॉर मैनकाइंड, इंसानों की बजाय, वॉट एवर एल्स वॉज डियरेस्ट टू हिम, चाहे उसके अलावा कोई चीज कितनी अजीज ही क्यों नहीं उसकी, कोई चीज कितनी महबूब ही नहीं, कितनी प्यारी नहीं उसे, वो उसकी परवाह नहीं करता, वॉट एवर एल्स वॉज डियरेस्ट टू हिम, चाहे कोई चीज कितनी ही प्यारी क्यों नहीं, वो उसकी परवाह नहीं करता। बैक्ट्रेस, नेक्स्ट पैराग्राफ, माइल्ड एंड मीक बैक्ट्रेस इज द क्वीन ऑफ कर्ड्स एंड क्रीम, ये माइल्ड और मीक, माइल्ड नरमो नाजुक, बैक्ट्रेस ये कर्ड्स एंड क्रीम, ये दही और क्रीम की मलका है, यानी कि दूध चिट्टी है। शी वॉज बॉर्न विद द वेरी डे ऑफ पॉइजनस पर्पल सिस्टर प्लांट, वो उसी दिन पैदा हुई है जिस दिन वो पर्पल सिस्टर प्लांट पैदा हुआ है, स्टैंडिंग इन फाउंटेन जार, जो फुहारे में लगा हुआ है, ठहरा हुआ है।